एक राजा था जिसके पास एक बुद्धिमान तोता था। एक बार उस तोता ने महाराज से कहा, मुझे अपने माता और पिताजी के पास जाना है। राजा ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन तोता ने हार नहीं मानी। वो लगातार महाराज से जिद करने लगा कि मुझे माता पिता के पास जाने दें। अंत में राजा ने तोता की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता से मिलकर आओ, लेकिन वहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकना। राजा ने तोता को केवल 5 दिन की अनुमति दी और कहा, तुम 5 दिन में अपने परिवार वालों से मिलकर लौट आना। इसके बाद तोता 5 दिन के लिए अपने माता पिता के पास चला गया। 6ठे दिन जब वो राजा के पास लौट रहा था तो उसने सोचा कि क्यों न वो महाराज के लिए कुछ उपहार ले लिया जाए। फिर वो पर्वत की ओर निकल पड़ा। दरअसल वो महाराज के लिए अमृत फल लेना चाहता था। वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई। तोता ने पर्वत पर पहुँचकर फल तो ले लिया, लेकिन रात हो जाने के कारण वो आगे नहीं बढ़ा और वहीं रुक गया। उस रात जब तोता सो रहा था तभी एक सांप वहां आया और उसने राजा के लिए गए अमृत फल को खाने लगा। सांप ने फल को खाया, इस कारण उस फल में जहर फैल गया था। हालांकि तोते को इस बात की भनक तक नहीं थी। अगली सुबह जब वो जगा तो फल लेकर महल की ओर चल पड़ा। जब वो महल पहुंचा तो खुशी खुशी सीधे राजा के पास गया और कहा, महाराज मैं आपके लिए यह अमृत फल लेकर आया हूँ, आप इसे खाएंगे तो सदा के लिए अमर हो जाएंगे। यह सुनकर राजा काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत उस अमृत फल को खाने के लिए मांगा। इस पर एक मंत्री ने कहा, जरा रुकिए महाराज, आप इस फल को बिना जांच किए कैसे खा सकते हैं? एक बार यह देख तो लीजिए कि तोता द्वारा लाया गया यह अमृत फल सही है या नहीं। राजा उस मंत्री की बात से सहमत हुआ और कहा कि तुरंत इस फल को एक कुत्ते को खिलाया जाए। राजा का आदेश पाकर सैनिक ने फल का एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया। फल खाते ही कुत्ते की मौत हो गई। यह देख राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने क्रोध में आकर तलवार से तोता के सिर को काट दिया, साथ ही फल को फेंकवा दिया। कुछ साल बाद ठीक उसी स्थान पर एक पौधा निकल आया। यह देख राजा को लगा कि यह उसी जहरीले फल का पौधा है। उसने सभी को आदेश दिया कि उस पेड़ का फल कोई नहीं खाएगा। कुछ दिन बाद एक वृद्ध व्यक्ति उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। उसे भूख भी काफी जोर से लगी थी। उसने उसी पेड़ से फल तोड़ा और खाने लगा। फल खाने के बाद वो बूढ़ा व्यक्ति एकदम से जवान हो गया। राजा ने जब यह देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ आ गया कि वो फल जहरीला नहीं था। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने बिना सच्चाई जाने तोता को मार दिया। इसे लेकर उसे काफी पछतावा भी हुआ। इसके लिए वो मन ही मन खुद को कोसने लगा। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना जांच किए किसी को सजा नहीं देनी चाहिए।